आप बहाना करने में उस्ताद हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं कि कोई इंसान किसी काम को करने में उस्ताद है या माहिर है। जैसे वह झूठ बोलने में उस्ताद है, वह चोरी करने में माहिर है, वह बहाना बनाने में उस्ताद है, वह कहानी बनाने में उस्ताद है या माहिर है। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे ही इज एक्सपर्ट या ही इज प्रोफिशिएंट, यानी इन दोनों टॉपिक्स में से किसी का इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। जैसे वह झूठ बोलने में उस्ताद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज एक्सपर्ट इन टेलिंग अ लाई या ही इज प्रोफिशिएंट इन टेलिंग अ लाई। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट इन या प्रोफिशिएंट इन के बाद आप एक जीरंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह बहाना करने में उस्ताद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज एक्सपर्ट इन मेकिंग एक्सक्यूज। आप ये भी कह सकते हैं ही इज प्रोफिशिएंट इन मेकिंग एक्सक्यूज। आप स्टोरी बनाने में उस्ताद हैं, यू आर एक्सपर्ट इन मेकिंग स्टोरीज। वह इंग्लिश बोलने में उस्ताद है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। वे लोग चोरी करने में उस्ताद हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे आर एक्सपर्ट इन स्टीलिंग। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप सीखेंगे एक कंप्लीट लर्निंग, और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।